Hey guys, so सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हैं, निकल गए हैं अपनी ट्रिप के लिए टूवर्ड्स चेल. पीछे नीरा इज स्लीपिंग और बहुत सारा सामान हमने गाड़ी में रखा है, बहुत सारा. नीरा का बेड भी बनाया है गाड़ी में, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था रोड ट्रिप के लिए. आपको सब कुछ दिखाऊंगी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग. ओके गाइस, सो 7 बज गए हैं एंड फर्स्ट स्टॉप इज विलमिल ढाबा. यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे बाकी की जर्नी. सो नीरा का फर्स्ट मील है पनीर का पराठा एट दिस ढाबा एंड नीरा इज हैविंग इट. खा लो नीरा. तो ये है हमारा टिपिकल ब्रेकफास्ट. पीयूष ने ऑर्डर किया है ये पराठा, तंदूरी पराठा विद कोल्ड कॉफी एंड आई एम हैविंग सैंडविच विद चाय. मेरी चाय तो फिनिश होगी, अब मैं सैंडविच लूंगी. स्विंग स्विंग करें. गिरना नहीं. सो पीयूष बहुत कॉन्शियस है अपनी स्किन को लेके और पीयूष को होता है कि मेरे पास मेरी सनस्क्रीन, मेरे सनग्लासेस हमेशा रेडी होने चाहिए ताकि मैं काला ना हो जाऊँ. एंड ये रही पीयूष की सनस्क्रीन, एक मेरे बैग में रखवाई है और दो पीछे अंदर पैक करवाई है. ही सो स्पेसिफिक अबाउट हिज सनस्क्रीन. अब लगा भी दो मुझे तुम. आई एम ड्राइविंग नाउ, सो कैन यू प्लीज. सो गाइस, आज हम चेल जा रहे हैं एंड बहुत प्यारा सा सेक्लूडेड सा हिल स्टेशन है नियर शिमला. नियर शिमला के काफी पास है. तो पीयूष तो वहाँ पे गए हुए हैं, मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ एंड नीरा पीछे हमारे साथ चुतानी कर रही है. और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी हमने बुक कराई है, मतलब इट्स वर्थ गोइंग. पूरे ब्लॉग में हम उसे कवर करेंगे. इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, देख के मैं चेल के लिए मानी थी बिकॉज नीरा के साथ इतना लंबा रोड ट्रिप करना थोड़ा टफ है एंड लिटिल नर्वस ऑल्सो. बट प्रॉपर्टी अच्छी है एंड वी नीडेड दिस ब्रेक, तो हम लोगों ने फाइनली बुकिंग करा दी और निकल ली. यस, हम काफ़ी टाइम बाद एक ट्रिप पे जा रहे हैं, सो काफ़ी एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए. ये देखिए गाइज, इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या करना पड़ता है इनको. गाइज देखो, जहाँ कंटेंट मिलेगा शुरू होना चाहिए. बट फोन्स नॉट अलाउड व्हाइल ड्राइविंग. अब क्या करें, करना पड़ता है. ये प्रो टिप बाय प्रो इन्फ्लुएंसर, जहाँ मौका मिले वहाँ कंटेंट लेना शुरू कर दो. बट मेक श्योर योर आईज आर ऑन द रोड, ड्राइव सेफ. मैं खुद ये देखो, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को. नीरा की यही काम है, मैं जो भी पहने रखती हूँ, मैंने अपने इयर रिंग्स भी उतार दिए, मेरे स्पेक्स भी उतरवा लिए और अब मेरी वीडियो में भी आना है. तो गाइस, माउंटेन एरिया शुरू हो गया है और उसके साथ ही शुरू हो गए हैं बहुत सुंदर सुंदर व्यूज. तो नीरा थोड़ी क्रैंकी हो रही है और बहुत ज्यादा शैतानी कर रही है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ड्राइवर सीट पे. बहुत डांट भी खा चुकी है बट अब थोड़ी सी सेटल्ड है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, रास्ता कवर करेंगे. क्योंकि जब ये शैतानियाँ करती है, इधर उधर करती है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड से भी नहीं चल पाती. यू वेरी नॉटी. नहीं, मजे आ रहे हैं बेटा. आर यू हैविंग फन? आर यू? तो गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक शुरू हो गया है. हमने जस्ट अभी सोलन क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आई थिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है. सो आई एम होपिंग कि ये ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ना हो, बस छोटा सा ही हो. ओके, लेट्स सी. सो गाइस, चेल के रास्ते के लिए कंडा घाट से राइट लेना है. अगर आप सीधा चले जाओगे तो शिमला पहुँच जाओगे और राइट लोगे तो चेल. बट चेल के रास्ते में रोड्स बहुत ही छोटी हैं. अभी एक बस आई थी तो हम लोग फंस गए थे और बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी निकालना ऐसे केसेस में. तो एक तो थोड़ा सा ड्राइव भी केयरफुली करना होता है, प्लस रोड छोटी हैं, आप स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए चेल पहुंचने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है. एंड वी हैव रीच्ड तारिका रिजॉर्ट एंड स्पा में हम लोग का स्टे है. और ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़िया है, पिक्चर्स में इतनी बढ़िया लग रही थी और देखने लायक है. पूरा प्रॉपर्टी टूर कराएंगे, पूरा रूम टूर कराएंगे. हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत स्पेशल रूम बुक कराया है. आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी देखना वर्थ होगा ये चीज़ ना. ये पूरी ही प्रॉपर्टी है तारिका रिजॉर्ट एंड स्पा की, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और काफ़ी स्पेशियस है. यहाँ पर हमने प्रेजिडेंशियल स्वीट बुक कराया है विच इज़ गुड फॉर टू कपल्स,
तो हमारे साथ एक कपल भी ट्रैवल कर रहा है जिसको आप लोग आई एम श्योर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखते रहते होंगे। फटाफट उनसे अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने स्वीट में पहुंचने के लिए। ये देखिए इतना सुंदर इसका सारा पूरा इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर है। सो गाइस ये हमारा प्रेसिडेंशियल स्वीट एंड ये पूरा ग्लास हाउस है और अंदर भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अंदर जाके, मेरे को भी सब कुछ एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वाओ, सो ये तो लिविंग रूम है एंड देन फर्दर अहेड ये एक बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है हमारा, दिस इज द अदर वन। एंड अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। यहां पे हमारे लिए है हमारा पर्सनल जकूजी which is so so big, just look at this guys, so big, and I think ये वाले जब पर्दे गिरेंगे तो हम लोग यहाँ बैठ के व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े सुंदर व्यू होने वाला है। और अच्छी खबर है यहाँ पर सोना रूम भी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था बट बड़ा ही कोजी सा क्यूट सा सोना रूम है, ये भी काफी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो प्रॉपर्टी तो दिखा दी आपको, फर्स्ट बिग रिवील, सेकंड बिग रिवील है कि हम आए किसके साथ हैं। टडा, तो किन किन ने इनको हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखा हुआ है कमेंट करके जरूर बताओ। बट ये है जेनिथ ब्रांड ओनर्स सृष्टि, निशांत एंड सियोना। सी हाय सियोना। हाय नीरा, को तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई है भाई। नीरा कहाँ जा रहे हैं, जा रहे क्या घूमने? हाँ टाटा, बारिश शुरू हो गई, ओ माय गॉड, ओले बोपले, इतनी सारी बारिश, विल रेन हेवीली अभी, हाँ इट विल। और अभी हमारा लंच का टाइम है, रेस्टोरेंट कुछ पास में ही है तो वहाँ वॉक करके जा रहे हैं और कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, फिर थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, 3 बजे के उठे हुए हैं एक्चुअली। सो रेस्टोरेंट भी काफी सुंदर है, आउटडोर तो अभी बैठ नहीं सकते, बहुत तेज बारिश हो रही है, बट इंडोर इज रियली नाइस। अला काटे हैं यहाँ पर तो फटाफट ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमारे साथ तो आए हैं हार्डकोर चिकन वाले, हम खाएंगे वेज। सो गाइस बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना सर्व हो गया है, लच्छे परांठे, ओए ओए ओए, ये है तवा रोटी, बटर नान, दाल तड़का, पनीर, चिकन, और इसमें कुछ था जो खत्म हो भी चुका है, लच्छा परांठा। सो खाना बहुत ही यमी है एंड बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। चाइनीज भी हम लोगों ने स्नैक्स में लिया था, वेज सॉल्ट एंड पेपर, वो तो खत्म हो गया। एंड फॉर द मॉम्स पनीर मैंने थोड़ा सा कम स्पाइसी बोला था, तो नीरा रोटी के साथ पनीर खा रही है, थोड़ा सा क्रैंकी हो रही है बट पनीर खा लेगी। गाइस लंच हो गया और यहाँ का मौसम हो गया है कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग, इट्स ऑल क्लाउडी, ठंड भी बढ़ गई है बट बहुत सही हो गया है। तो आई होप हम इवनिंग में काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। गाइस सच में ऐसा लग रहा है कि अभी ना मॉर्निंग के 5-6 बजे हो, हम सुबह से उठे हैं, ऐसी फील आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे सन का कोई नामो निशान नहीं है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, ऑल क्लाउडी, फॉगी सा हो गया है, इट्स अमेजिंग। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम को पार्टी शुरू करेंगे। हाय नीरा, तो गाइस हम लोग उठ गए सोकर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो सो गए थे एंड अब खाने पीने का टाइम है, तो नीरा तो इज हैविंग हर सेरेलेक, ये मैंने सेरेलेक खरीदा है नीरा के लिए फॉर द ट्रिप ओनली, बिकॉज यहाँ पर कुकिंग की कोई चॉइस नहीं है, तो नीरा के लिए तो सेरेलेक लिया है। और हम लोगों ने अपने लिए यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स टी ऑर्डर करे हैं और वहाँ पर वैसे चल रहा है हमारा इंतज़ाम।
सो गाइस खाना पीना हो गया, मस्ती हो गई, अब आए हम लोग इनके प्ले रूम एरिया में एंड यहाँ पे है टीटी एंड यहाँ पे चैंपियन थी तो इसमें भी मैं हरा दूंगी और टीटी में भी मैं हरा ही दूंगी। पीयूष चलो रेडी लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस सो डिनर भी हो गया, बहुत देर तक हम बैठ के गपशप करते रहे एंड इट्स 1:30 नाउ, तो आज का दिन ख़त्म हो गया, बहुत टायरिंग था। हम बस सोने जा रहे हैं एंड कल मॉर्निंग में उठ के काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान है, पूरी प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रॉपर्टी टूर करेंगे, घूमेंगे क्या है एग्जैक्टली, कहीं बाहर भी जाएंगे तो कल फिगर आउट करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग, बाकी का हम दिखाएंगे पार्ट 2 में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। गुड नाइट।